हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के खिलाफ विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने नियम 274 के तहत स्पीकर को हटाने की मांग की है। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के पांचवें दिन नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायकों ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव सौंपा। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि शुक्रवार को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का जिस प्रकार का व्यवहार रहा है उससे वे सब लोग हैरान हैं। विधानसभा में बहुत सारे वरिष्ठ सदस्य हैं, सबका मानना है कि सभी मर्यादाओं को ताक पर रखा गया। हाउस के अंदर विधानसभा अध्यक्ष जब भी बोलते हैं तो हम उनका मान सम्मान करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस को ब्रीफ करते हुए लिमिट क्रॉस की है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने एक विषय उठाया था कि स्पीकर ने 6 विधायकों के सिर कलम करने और 3 के सिर आरे के नीचे होने की बात कही थी, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। इसीलिए भाजपा विधायक दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नियम 274 के अंतर्गत उन्हें हटाने की मांग करते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान जिस प्रकार का व्यवहार विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी का विपक्ष के प्रति रहा है वो हैरान करने वाला है, चाहे सदन के अंदर की बात है चाहे वो सदन के बाहर की बात है। शुक्रवार को जिस प्रकार से सिर्फ छोटी सी बात थी, हमारे विपक्ष के विधायक श्री लखनपाल जी ने आग्रह किया था, समय मांगा था उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर, और उसमें उन्हें छोटी सी बात कही थी कि अध्यक्ष महोदय आपने कहीं किसी सभा में इस प्रकार से कहा था कि 6 लोगों के सर कलम कर दिए और 6 के सर कलम करने के बाद 3 आरे के नीचे हैं और वो तड़फ रहे हैं, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमारी भावना को ठेस पहुंचाया। मैं आज भी विधायक हूं, चुन करके आया हूं, ऐसा उन्होंने बोला और उन्होंने आग्रह किया था कि हम भी चुने हुए विधायक हैं जैसे आप चुने हुए विधायक हैं और इसलिए आप जो ये शब्द बोले हैं इस पर आप जो है खेद व्यक्त करें, बस इतना ही कहना था। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का रवैया बहुत अलग तरह का हुआ और विधानसभा में विपक्ष के हम सब साथी उठ करके बोलने के लिए समय मांगते रहे लेकिन समय नहीं दिया गया और उसके बाद स्वाभाविक रूप से थोड़ी देर के लिए गतिरोध रहा और गतिरोध रहने के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के द्वारा हाउस में रेजोल्यूशन लाया गया, निंदा प्रस्ताव लाया गया और ये आपको बताऊं मैं नियम के मुताबिक जब भी कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है हाउस के अंदर वो सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं होता है, वो सब पूरे हाउस का होता है और उसमें विपक्ष पार्टिसिपेट कर सकता है संख्या बल के आधार पर। स्वाभाविक रूप से प्रस्ताव का जो होना था वो होना है लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि हमें मौका दिया जाए बोलने का लेकिन उस पर हमारे को बोलने का अवसर नहीं दिया गया और उसके साथ साथ में हद तो तब कर दी जब जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि जयराम को क्या मालूम होते हैं नियम क्या होते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और बार बार इस बात को लेकर के ही इज मच मच जूनियर टू मी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। और एक शब्द और भी शायद उन्होंने कहा विधानसभा के अंदर कि मेरी उम्र सीखने की नहीं है, इसका मतलब है कि अध्यक्ष विधानसभा के जो है वो सबसे ऊपर हो गए, ज्ञान में भी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जान सीखने की जरूरत नहीं। और जो एरोगेंस उनके व्यवहार में दिखी और जिस तरह से उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए मुझे व्यक्तिगत रूप से जिन टिप्पणियों का जिक्र किया उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इस तरह का व्यवहार चाहे कोई भी करे विधानसभा का अध्यक्ष क्यों ना हो यह बर्दाश्त के योग्य नहीं है, इसलिए
हमने आज जो है वो नियम के अनुसार आज विधानसभा के हमारे सचिव महोदय उनको हमने एक प्रस्ताव दिया है और विधानसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटाने के लिए हमने विपक्ष की ओर से अपनी बात कही है।